यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि लोग वो क्या सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही, आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही। वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। एक्चुअली जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी, डॉक्टर जाकिर नायक को शर्म आनी चाहिए। तो भैया इंट्रो देखने के बाद में आपको तो मज़ा आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो के अंदर कितना मज़ा आने वाला है। और मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप हंसे नहीं ना तो पैसे वापस आ रहे। चल झूठा। और मुद्दा ये है कि जाकिर नायक पाकिस्तान गया हुआ है, पाकिस्तान में जाके उसने एक से एक भंड मारे हैं, बहुत सारे भंड तो उसने औरतों को लेके मारे हैं और भी कई तरीके के भंड मारे हैं। और इसके लेकर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है रिबा इमरान और दूसरी जो एक्स पाकिस्तानी है मतलब अभी इंग्लैंड में रहती है, ये दोनों मिलकर बातचीत कर रही है कि हमारे माशरे में चल क्या रहा है, औरतों के बारे में क्या कह रहा है जाकिर नायक पगलेट है और उसका मजाक बना रही है, जिसको देखने के बाद में आपको भी आनंद आएगा। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इनकी सारी कंट्रोवर्सीज को एक एक करके हम बात करते हैं कि लीडर्स खातून होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? देखिए मुझे ये आदमी अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनकी मैंने बातें खूब सुनी है। पहले मैं बहुत सुनती थी इनको, जब मैं इस्लाम के बारे में नॉलेज जानना चाह रही थी मैं इनकी बातें खूब सुनती थी और मैं इम्प्रेस होती थी इनसे काफी कि वो ये तो बाइबल के भी इनको वर्सेस पता है, गीता के भी पता है, हाँ भाई सही बातें कर रहे हैं लोग, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और सब इम्प्रेस होते। तो मैंने अपने जिंदगी के घंटों घंटों साल महीने बर्बाद करें इनकी बकवास बातें सुन के। अब मुझे बातें बकवास लग रही हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अब अपनी औकात दिखाई है। इन्होंने जो है जो गंदी जहनीत अपनी जाहिर करी है पाकिस्तान में जाके, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आदमी ऐसे निकलेगा भाई। और देखिए ये छोटी बच्चियां स्टेज पे आईं, उनको पहली दफा इज्जत दी गई और उन्होंने जो बदतमीजी और गंदी जहनियत वाली अपनी हरकत दिखाई कि वो स्टेज से हट गए भाग के, तो उनके खुद के जहन में क्या गंदगी चल रही थी उससे वो जाहिर हुआ सिर्फ, और कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बाकी के सब जो हैं लोग, इवन जो आदमी, वो बोल रहे थे यार इतनी छोटी बच्चों के बारे में ऐसे कोई सोच सकता है कि, तो ऐसा नहीं कि हर इंसान ऐसा सोचता है, ये सोच इनकी खुद की सोच ऐसी थी गंदी। अभी भी इन्होंने जो बोला है कि जो लीडरशिप रोल्स में औरतों को नहीं होना चाहिए, अब आप मुझे बताएं इनको क्या अपने मजहब के बारे में पता नहीं, इस्लाम के बारे में? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो बीवियां थी, एक बिजनेस लेडी थी और जो आयशा थी वो भी जंग पे गई थी, वो लीड कर रही थी यू नो जंग, तो उनको क्या अपने मजहब के बारे में पता नहीं है? ये क्या कम्प्लीटली जाहिल है? लाइक मैं हैरान हो रही हूँ, ये वही आदमी है यार जिसको मैं 20 साल पहले सुनती थी और मैं खूब उनके लेक्चर सुनती थी और मैं खुश होती थी, मुझे तब शर्म आ रही है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका मकसद क्या है। मैं नहीं समझती कि ऐसा आदमी, वो आदमी होता ही नहीं है जो औरत को लेके डरे घबराए और कॉन्फिडेंस लूज कर ले। जो कमजोर आदमी होते हैं वो औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो मजबूत आदमी होते हैं वो औरतों को भी मजबूत बनाते हैं, औरतों को भी उठाते हैं। ये फर्क होता है असल आदमी में और वो इंसान जो असल आदमी नहीं होता। इन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरियां दिखाई हैं, तो आई डोंट नो कि ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एंड या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि अब कोई इनको मुंह नहीं लगा रहा, कोई इतने फेमस नहीं रहे वो, जैसे कि अब तो और स्कॉलर आ गए ना जिनको लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया कोई भी आ सकता है, कोई कोई भी चढ़ सकता है, तो कोई इनको शायद मुंह नहीं लगा रहा इतना, तो अब ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अब हो रही हैं, अब जा रहे हैं वायरल सब जगह, वायरस के तरह वायरल हो रहे हैं भैया जी। बस इतना ही बोलना चाहूंगी इसके बारे में। अच्छा लुबना जी, आपने देखा उनकी कि एक एंकर अगर बैठी हो और मर्द अगर उसको 20 मिनट से ज्यादा देख ले और उसको हलचल ना हो और वो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को जाके इलाज करवा ले, क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? ये कौन सी हदीस में इन्होंने सुन ली है ये बात? ये इनके खुद के दिमाग में जो गंदी जहनियत थी, एक्चुअली जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। वो उनको बताना चाह रहे थे कि भी आप बैठी हुई है सामने, मुझे हलचल हो रही है। टाइप का तो आदमी है। मैं जो उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे ये यू यू करके, उनकी शक्ल पे अजीब सी मुस्कुराहट थी, अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज थी। उनको हलचल हो रही थी तो शक्ल पे उनकी नजर आ रही थी, तब क्या ही दिया आखिर, कह ही दिया फिर हम आखिर के भाई ऐसे 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 ऐसे।
मतलब तब ये मैं ही समझती हूँ कि जो स्कॉलर होते हैं उनको तो वो मतलब एक हर रिलीजन में होता है कि आप दूसरों अपने एक्शन से दूसरों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करो। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपका मतलब एक गेस्चर दूसरों को हर्ट ना करे, और आप एक खातून के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं सामने बैठ के, वो बेचारी कंफ्यूज हो रही होगी। आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही है? वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। तवा, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी, डॉक्टर जाकिर नायक को शर्म आनी चाहिए। तवा तवा मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों ये कैसी बात कर दी है, और मुझे तो उनको हैरानी हो रही हलचल हो रही थी ना, उनको है। हलचल हो रही थी, उनको बात करनी पड़ी भाई। अच्छा, उन्होंने पहले कंट्रोल किया होगा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलें ठीक है, अब ऐसे तो ऐसे ही सही। अब लोग उनके, अब सोचें कि लोग उनकी ये बात सुन के क्या मतलब यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, कि लोग और वो क्या सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही। मतलब ये गलत मैसेज जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड में। जो एक यूथ का माइंडसेट वैसे ही बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है, उनको ये इस तरह की थॉट, जहां पर हम सोसाइटी में कहते हैं खवातीन को राइट्स मिलने चाहिए, खवातीन को आजादी देनी चाहिए, खवातीन के लिए हमें ये करना चाहिए, और अब वहीं पर इस तरह के लोग इस तरह की बात सुनेंगे तो मुझे आज कोई एनालिसिस नहीं सोच रहा, बस हंसी आ रही है उनकी बात सुनकर। नहीं देखिए, हंसना चाहिए क्योंकि जब ऐसी हरकतें हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वैसे भी मजाक बन चुका है, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक मुझे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ सॉरी, डॉक्टर जाकिर नालायक निकल रहा है मुंह से। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, ठीक है, उन्होंने जो क्या हो रहा है भाई, बोलो कुछ। आंसू आ रहे, सॉरी आंसू आ रहे, नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए उन्होंने जो हरकत, यही तो चीज है, हम बिना इस टॉपिक पे हम बात नहीं कर पा रहे बिना हंस के, क्योंकि इतनी स्टूपिड, लाइक मुझे बता तो रही हूँ, मुझे हैरान हो रही हूँ कि इस आदमी को मैं सुनती थी इतने सालों। ओह माय गॉड, ही इज कंप्लीटली मैड, आई थिंक वो पागल हो चुके हैं, एंड कोई भी सीरियस इंसान इनको इनकी बातें सुन नहीं सकता। बात यह है कि अच्छा, कुरान में बहुत सारी चीजें लिखी है, मगर जो चीज औरतों को लेके बोली गई ही है उन पे आप लोगों का फोकस है। ये भी तो लिखा गया भाई, आप नजरें नीचे रखें, आप नजरें नीचे रखें। तो बात ये, जो कमजोर मर्द होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों को पॉइंट करेंगे, औरत को बोलेंगे इसकी गलती थी, इसकी वजह से हुआ है, बलात्कार हो गया इसकी वजह से हुआ है, हमने तो कुछ नहीं करा, हमारे काबू में तो कोई चीज नहीं है। आई एम सॉरी, जो असल आदमी होता है तो औरत भले कपड़े भी ना पहने हो, वो असल जो मर्द होगा वो छुएगा भी नहीं, जो बिल्कुल असल होता है। मगर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मगर वो उस इंसान की कमजोरी है। ऑफकोर्स नेचुरल चीज है, औरत और आदमी के बीच में जो रिश्ता होता है और अट्रैक्शन होती है वो कुदरतन तौर पे, वो तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है, मगर सिर्फ जो पूरा फोकस है औरतों के ऊपर कि औरतों को ये करना चाहिए, हमें हलचल हो गई तो औरत ही गलती थी, नहीं, आई एम सॉरी, आप अपनी नजरें नीचे रखें, आप अपनी जहनियत ठीक रखें। अगर आपकी, अगर छोटी छोटी बच्चियां स्टेज पे आ रही हैं और आपकी गंदी जहनियत है, तो आई एम सॉरी, आप उन छोटी बच्चियों को कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली जो ऑफेंस हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो आपकी खुद की जहनियत गंदी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान के खुद के दिमाग में चल रहा होता है वो उस कबूल नहीं करना चाहता, ना वो सुधारना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए आसान यही है कि दूसरे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाए। मुझे ये है कि जैसे आपने बोला कि एक्चुअली उनका जो काम था कि आना और अच्छे मशवरे देना, अच्छी सलाह बोलते हैं ना, देना ओपिनियन अपना देना और मशवरे देना कौम को पाकिस्तान की, जो वैसे भी बहुत गुम है और कंप्लीटली लॉस्ट है, पाकिस्तान की आवाम का कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे हालातों में वो ही घूम फिर के बात होती होती है ना कि डॉक्टर जाकिर नायक जिस आदमी को बुलाया क्यों था, मकसद क्या था, ये सब ड्रामेबाजी करने के लिए। अब कब तक है, अभी चले गए या और भी अभी ड्रामे होंगे इनके? नहीं, मुझे तो लगता है ये 2-3 और करके जाएंगे। अभी कल भी ना पूरा हजूम लगा हुआ था और तमाम लोग इकट्ठे हुए हुए थे बादशाही मस्जिद यहाँ पर, और मतलब बहुत बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। पिछले दिनों जो उनके एड्रेस उन्होंने किया वो कराची में था, वो लाहौर आके एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी जो एक और मजे की बात,
हम उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्सी बनाई, और वो पता है क्या थी कंट्रोवर्सी? वो कंट्रोवर्सी ये थी कि पीआईए को, हमारे एक एयरलाइन है, उसको बोलते रहे हैं कि पीआईए ने हमारे जो है वो सामान के पैसे, कहा कि हम सिर्फ 50% वेव करेंगे, पूरा सामान नहीं वेव करेंगे। और बाद में पता है क्या चला, इतना बोले इतना बोले, कहते कि अगर मैं यहीं पे इंडिया में खड़ा होता तो इंडिया में इवन के हिंदू लोग जो है ना, मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देते, मेरे साथ ऐसे करते वैसे करते। बाद में पता चला वो एमिरेट्स से आए हुए थे He is completely crazy. He is और completely. वो सिर्फ अपने क्या मतलब कुछ उनके साथी थे, वो पीआईए से आए थे, उनके सामान के लिए उन्होंने अपने पीआईए के ऑनर को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि अगर पीआईए के ऑनर ने कहा कि देखो अगर ये हमें कह रहे हैं तो हम 50% ऑफ कर देते हैं, तो कहते कि मैं दुनिया में कहाँ पे कहीं पे भी चला जाऊँ तो मुझे इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल मिलती है, और मुझे तमाम चीजें जो है मेरा फुल खर्चा उठाया जाता है, और ये तो देखिए, इन्होंने अपनी औकात दिखाई फिर ये हरकतें करके, कि बिकॉज इस्लाम ये नहीं सिखाता है आपको बिल्कुल भी. बिल्कुल इस्लाम तो आपका किरदार और कैरेक्टर और पर्सनालिटी और इखलाक और इस टाइप की चीजें बोली जाती हैं कि आपको इन चीजों पे ध्यान देना है. तो जो हम्बल इंसान होता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता, वो ऐसी बातें नहीं करता. अगेन, तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूं. जब कोई इंसान आपको दिखाए कि वो क्या है, उसको उसका यकीन करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मुझे यही उदास मैं होती हूँ सोच के, यार जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने बददिमाग हैं कि उनको क्या अंधे हैं, क्या बहरे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, दिमाग नहीं है ये सोचने के लिए कि अगर कोई गलत हरकतें बार बार कोई कर रहा है या कुछ सही नहीं है इसमें, तो आप ये नहीं देखें ये इस इंसान के पास कितने पैसे हैं और क्या नाम है इस इंसान को दुनिया का. देखें यार ये सही इंसान है कि है भी या नहीं है. बात बिल्कुल ये है कि जो आजकल इन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, स्कॉलर बनना इस्लामी तौर पर लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं लोग काफी ज्यादा जो इस्लाम के बारे में बातें करते हैं. मगर हर इंसान सही नहीं होता है. कुछ लोग हैं सही, बहुत अच्छी बातें करते हैं, स्कॉलर्स मुसलमान अच्छे अच्छे लोग होते हैं और अच्छी बातें करते हैं, मगर हर स्कॉलर अच्छा नहीं होता है. इतने सारे स्कॉलर हैं जो इनको मैं सुनती थी, और बाद में पता चला कोई ना कोई स्कैंडल है यार, या तो कोई बात गंदी करी या हरकत कोई गंदी करी, तो मेरा फिर दिल खराब हो गया. इसलिए अब मैं स्कॉलर्स को सुनती बिल्कुल भी नहीं हूँ खुद. और ऑब्वियसली जो मैं पहले इनकी बातें सुन चुकी हूँ उसके बारे में मैंने बात करी, इसलिए मैंने खुद फिर कुरान पढ़ा. मैंने कहा यार इन लोगों की बातें मुझे नहीं सुननी, अगर कुरान मैसेज है गॉड का तो गॉड ने क्या मैसेज दिया, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ ना, पढ़ना तो मुझे आता है भाई. तो पढ़ा मैंने खुद, और मैंने देखा कि काफी चीजें जो कुरान में लिखी हुई है वो मुसलमान कुछ और हरकतें कर रहे हैं, और वो मुसलमान अलग हरकतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्कॉलर्स की बातें सुनते हैं, वो खुद पढ़ते नहीं है कुरान. तो एनीवेज मैं यही लोगों को बोलूंगी, प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल करें. अगर आप मुसलमान हैं तो फिर कुरान खुद से भी पढ़ें, सिर्फ लोगों को सुने नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में ये लिखा है, खुद से पढ़ें ना. किताब है आपके लिए, होगी आपके घर में होगी कुरान, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना तो आता है, ट्रांसलेशन भी होती है और ऑडियो भी यूट्यूब पे खुद से सुने. मगर जो स्कॉलर्स हैं ये नहीं सोचे कि भाई ये इंसान स्कॉलर्स है तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये लोग इंसान हैं. यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों की, ये कुरान को सिर्फ रट्टा मार के पढ़ते हैं या फिर लोगों के कहे सुने अनुसार उसको मान लेते हैं. कभी खुद नहीं पढ़ते, कभी तजुर्मे के साथ नहीं पढ़ते. और जो भी मुसलमान तजुर्मे के साथ कुरान पढ़ लेता है फिर वो मुसलमान नहीं रहता, फिर वो बन जाता है एक्स मुसलमान. वाह भाई वाह. चाहे इनकी कुरान हो चाहे हदीस हो, इनमें दोनों तरह की बातें लिखी हुई है, अच्छी भी लिखी हुई है बुरी भी लिखी हुई है. लेकिन 99% लोग बुरी बातों को पकड़ते हैं, अच्छी बातें बहुत कम परसेंटेज में लिखी हुई है, तो उस पर कोई ज्यादा अमल करता नहीं है. इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आतंकवादी होते हैं सब मुसलमान होते हैं. उनकी नजर में जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, वो मरने के काबिल है, क्योंकि ये पूरी धरती अल्लाह की है. जैसे ही पूरा हिंदुस्तान बोर्ड का है वैसे पूरी धरती अल्लाह की है. पाकिस्तानी मुल्ले मौलाना हो गए या चाहे जाकिर नायक जैसे लोग हो गए, ये दिमाग से भोड़ है. कोई भी औरत के बारे में इस तरीके की बातें नहीं कर सकता, और ये तो एक से एक बातें करे जा रहा है. भाई साहब मुझे तो याद भी नहीं, मैं तो जयशंकर साहब की मीटिंग में व्यस्त हो गया था 2 दिन से, तो मैंने जाकिर नायक पे ध्यान नहीं दिया. इसके लिए मैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा कि इसने पिछले 3 दिन के अंदर क्या और कांड की है. खैर बातचीत बहुत अच्छी थी, मजा आया देखने के बाद में. और ये अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो रिबा का चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं. आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है. जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम.